आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज की परिभाषा, चतुर्भुज के अंश, चतुर्भुज का कोण योग गुण, चतुर्भुज के प्रकार और समांतर चतुर्भुज के गुणों के बारे में। परिभाषा: चार बिंदुओं को एक क्रम में सीधी रेखाओं से जोड़ने पर प्राप्त आकृति चतुर्भुज कहलाती है। उदाहरण के तौर पर आपके सामने ये दो आकृतियां पेश की गई है। चतुर्भुज के अंश: एक चतुर्भुज की चार भुजाएं, चार कोण और चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज ABCD में AB, BC, CD और DA चार भुजाएं हैं। A, B, C और D चार शीर्ष हैं। एंगल A, एंगल B, C और D शीर्षों पर बने चार कोण हैं। सम्मुख शीर्षों A और C तथा B और D को जोड़ने से दो विकर्ण AC और BD प्राप्त होते हैं। चतुर्भुज का कोण योग गुण: आपके सामने प्रस्तुत चतुर्भुज ABCD में BD उसका एक विकर्ण है जो उसे दो त्रिभुजों ABD एवं BCD में विभाजित करता है। आप जानते होंगे कि त्रिभुज में कोण योग गुण 180 डिग्री होता है। तो यदि हम इन दोनों त्रिभुजों ABD एवं BCD का कोण योग गुण लिखें और उन्हें आपस में जोड़ दें तो हम देखते हैं कि हमें चतुर्भुज ABCD का कोण योग गुण प्राप्त हो जाता है, अर्थात चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के प्रकार: चतुर्भुज के कई भिन्न प्रकार होते हैं जिनमें से कुछ आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जैसे कि समलंब, समांतर, आयत, समचतुर्भुज, वर्ग एवं पतंग। आइए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। समलंब: एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक ही युग्म समांतर हो वह एक समलंब कहलाता है। यदि सम्मुख भुजाओं के दोनों युग ही समांतर हों तो उस चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज में यदि सभी कोण समकोण हों तो उस समांतर चतुर्भुज को हम आयत यानी एक रेक्टेंगल कहते हैं। समचतुर्भुज: एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सारी भुजाएं बराबर हों उसे हम एक समचतुर्भुज यानी एक रोम्बस कहते हैं। वर्ग: ऐसा समचतुर्भुज जिसमें सारी भुजाएं बराबर हों एवं सभी कोण समकोण हों उसे हम एक वर्ग यानी स्क्वायर कहते हैं। पतंग: एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हों वह पतंग कहलाता है। तो ये थे चतुर्भुज के कुछ प्रकार। अब हम जानेंगे समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणों के बारे में। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसका मतलब है कि यदि हम एक समांतर चतुर्भुज को उसके विकर्ण पर विभाजित कर दें तो हमें दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं जो सर्वांगसम होते हैं, यानी उनकी आकृति और उनका माप समान होता है। आइए इस प्रमेय का हम प्रमाण देते हैं। प्रस्तुत समांतर चतुर्भुज ABCD में BC और AD सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। इसका मतलब कोण BCA एवं कोण DAC एकांतर कोणों का एक युग्म है, अर्थात ये दोनों कोण बराबर हैं। इसी प्रकार AB और CD समांतर भुजाएं हैं और कोण BAC एवं कोण DCA भी बराबर हैं। स्पष्ट है कि AC और CA बराबर हैं, अर्थात ASA नियम के अनुसार त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज CDA सर्वांगसम त्रिभुज हैं।
अर्थात विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज ABCD को दो सर्वांग समत्रिभुजों में विभाजित करता है। पिछले प्रमेय का विलोम है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। आइए इसका प्रमाण करते हैं। प्रस्तुत चतुर्भुज ABCD में दिया गया है कि AB CD के बराबर है, AD BC के बराबर है और स्पष्ट है कि AC CA के बराबर है। तो SSS नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि ABC और CDA सर्वांगसम त्रिभुज हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी कोण बराबर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं BAC और DCA बराबर हैं। क्योंकि यह एकांतर कोण का एक युग्म है, हम कह सकते हैं कि AB और CD समांतर भुजाएं हैं। और इसी तरह कोण BCA एवं कोण DAC भी बराबर हैं और इसलिए AD और BC भी समांतर भुजाएं हैं। हम ये दर्शा चुके हैं कि ABCD में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म ही समांतर हैं, अर्थात ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो आज हमने सीखा चतुर्भुज की परिभाषा और उसके अंश के बारे में, चतुर्भुज के कोण योग गुण के बारे में, चतुर्भुज के कुछ प्रकार और समांतर चतुर्भुज के कुछ गुणों के बारे में। धन्यवाद।